जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आप लोगों के नेवी अग्निवीर 2022 भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर सिलेबस 2022 को, जो कि आप लोगों का अग्निवीर के अंतर्गत जो सिलेबस जारी किया गया है इस भर्ती का, इसको हम डिटेल्स में यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोगों की एसएसआर ही पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस किस टॉपिक से कितने कितने यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर हम समझने वाले हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको, सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का है, उसके बाद टॉपिक वाइज हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अग्निवीर इंडियन नेवी एसएसआर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2022 को। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपके चार खंड से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता टाइप के यहाँ पर प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंग्रेजी के जो है आपके 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को 25 अंक के। साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 प्रश्न और 25 अंक के। यहाँ पर मैथ्स आप लोगों का जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंक का, और यहाँ पर सामान्य जागरूकता जो है आप लोगों को 25 अंक 25 नंबर की यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आप लोगों को बता दें तो आप लोगों को 60 मिनट का ये पेपर होने वाला है और इसके लिए जो है आप लोगों को 100 क्वेश्चन और 100 यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक अंक का यहाँ पर होने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ों को हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर बोला है। देखिए परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन यानी CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। एक प्रश्न जो है आप लोगों का एक अंक का होगा और दो भाषा में होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश टाइप दोनों भाषा यहाँ पर दी जाएगी। और प्रत्येक गलत यानी नेगेटिव जो मार्किंग रहेगी इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब हम समझते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की, अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक है, विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, गणित में और सामान्य जागरूकता में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेवी अग्निवीर एसएसआर लिखित परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेवी अग्निवीर एसएसआर में दो खंड यहाँ पर रहेंगे, विज्ञान और गणित का एक खंड रहेगा और सामान्य जागरूकता का जो और इंग्लिश जो है उसमें एक खंड यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस वो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको देखते हैं। देखिए पहला अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें दिया है खंड 1 विज्ञान और गणित। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। तो विज्ञान में देखिए यहाँ पर कौन कौन से जो टॉपिक है वो दिए हुए, इस चीज़ को आप समझेंगे। पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा साथों साथ, जो है आप लोग एक सिलेबस जो है पेज में पूरा नोट करेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड से प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी, सूर्य। ठीक है, बिजली और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, काम, ऊर्जा और शक्ति, तापमान। ठीक है, तापमान और ताप से प्रश्न पूछे जाएंगे, धातु और आघात को जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, कार्बन और इसके यौगिक, विज्ञान के माप, तरंग और गति। ठीक है, ध्वनि और तरंग ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगला है यहाँ पर आप लोगों का परमाणविक जो संरचना है वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं गणित में कौन कौन से टॉपिक है। देखिए गणित में कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, तो जो गणितीय सरलीकरण से आएंगे, अनुपात समानुपात। ठीक है, साधारण मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री रहेगी, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, समय एवं काम। ठीक है, गति एवं दूरी, बीजगणितीय पहचान और रेखीय समीकरण, बहुपद, मूल त्रिकोणमिति, युग्मक समीकरण। ठीक है, और फिर आप लोगों का केंद्रीय वृत्ति के उपाय, जैसे कि अगर हम बात करते औसत। ठीक है, औसत और मोड, ये आप लोगों को जो है यहाँ पर मैथ्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए अगला है खंड 2, और खंड में क्या 2 में दिया है इसको देखेंगे, उसके बाद हम जो है इंग्लिश का भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला है आप लोगों का, भूगोल, नदियाँ, बंदरगाह, अंतर्देशीय पर्वत, बंदरगाह, मिट्टी, ये आप लोगों का जो है यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड किया गया है। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य जागरूकता में और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपको, इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार, लेखन, युद्ध, पड़ोसी, है ना, युद्ध और पड़ोसी, रक्षा, खोज, रोग, पोषण। ठीक है, ये टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। खेल चैंपियनशिप, ठीक है, विजेता, सरते। ठीक है, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या,
अगला है करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। लगभग 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा। राजधानी मुद्रा है, भाषा है, सामान्य नाम, ठीक है, पूर्ण रूप से संक्षिप्तीकरण जो है ये आपको पूछा जाएगा। अगला है प्रख्यात व्यक्तित्व, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, गान, गीत, ध्वज, ये जो है राष्ट्रीय चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी। इतिहास में संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, विरासत, कला और नृत्य, भारत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप लोगों का जो है यहाँ पर सिलेबस आप लोगों का खंड जो सेकेंड है उसमें सामान्य जागरूकता के लिए। यहाँ पर 3 खंडों को हमने देख लिया, चौथा खंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आप लोगों का इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोनाउन से क्वेश्चन आएंगे, वर्ब टेंस, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम आउट जूम कर लेता हूँ, इसको आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट नंबर 1 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा जो है सिलेबस आप लोगों का इंग्लिश का रहेगा, जो कि 25 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है, 25 अंक के, है ना। ये हो गया। अगला देखिए, अगला कौन सा है यहाँ पर, अगला है आपका सामान्य जागरूकता वाला, ठीक है, सामान्य जागरूकता, इससे आपको 25 प्रश्न आएंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, ये है आपका मैथ्स का, ठीक है, ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, और इसमें आप लोगों के 25 क्वेश्चन ही आएंगे 25 नंबर के, तो इसका भी आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं यहाँ से, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला पोर्शन है आपका विज्ञान वाला, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी आप लोगों का जो है 25 जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के। ये पूरा फुल डिटेल सिलेबस था, कितने प्रश्न किस जो है टॉपिक से आने वाले हैं, जैसे कि 25-25 यहाँ पर बटा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट ज़रूर करें।